Assalamu alaikum khawateen hazrat and welcome to the vlogging by Haseeb. Today we are coming to the Baba Nau Gaza ke darbar par aaj hum aaye hue hain aur is darbar ke bare mein khaas baat ye hai ki is darbar par jo Baba Nau Gaza ki qabar hai jo ki unke naam se hi pata chalta hai ki 9 gaz lambi qabar hai. So aaj us qabar ki ziyarat hum aapko karwayenge. Baba Nau Gaza ka 419 CB Burewala mein darbar hai. Us darbar par bhi aaj hum jayenge. Garmi bahut zyada hai lekin phir bhi hum yahan par vlogging karne ke liye aa gaye hain kyunki jaise hi hame is jagah ke bare mein pata chala humne bagair time waste kiye cameraman ko उठा के मैं सीधा यहाँ पर आ गया हूँ. जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में ये कच्ची जगह या ये देख सकते हैं, ये जो बर्बाद हो चुकी है जगह, ये जगह क्या है, इस जगह के बारे में क्या हिस्ट्री है. एक्चुअली ये एक शहर होता था कभी किसी ज़माने में. जैसे आपने हड़प्पा की हिस्ट्री देखी है, मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री देखी है, ये जो शहर था ये घर को गया, ये घर को गया मतलब तबाह हो गया. बाबा नौ गज़ हैं उनकी बददुआ से ये जो शहर था ये घर को हुआ था, तबाह हुआ था. यहाँ के मुकामी लोगों ने मुझे बताया और उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली है. उन्होंने मेरे साथ ये वाक़ा शेयर किया था कि ये घर को हुआ था जगह, ये इलाका, ये इलाका. इस वक्त यहाँ पर सिर्फ मिट्टी के टीले हैं और एक काफ़ी ऊँचा है ये गाँव, बहुत नीचे है और ये जो इलाका है, ये जो जगह है बहुत ऊँची है गाँव से, और ये सारी कच्ची है, बहुत ही कच्चा रास्ता है, बहुत ही ऊंच नीच करती हुई जगह है जहाँ से होते हुए हम सीधा बाबा नौ गज़ा के दरबार पर गए थे. और दरबार के आसपास का जो ये इलाका है ये थोड़ा ऊंचाई पर है और गांव से बहुत ही अपोजिट है, गांव से बहुत ही दूर जगह पर ये वाक़ है. इसके अलावा जो गाँव है, गाँव यहाँ से बहुत दूर है, मतलब यहाँ से काफ़ी आपको चल के जाना पड़ता है, काफ़ी नीचे उतरना पड़ता है, फिर खेत आते हैं, खेत के बाद गाँव आता है. जो ये इलाका है ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसकी पूरी वीडियो आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करेंगे क्योंकि ये जो इलाका तबाह हुआ था. इसके अलावा आप दरबार की तरफ मूव करेंगे, दरबार की हिस्ट्री के बारे में आपको दरबार में जाके बताएंगे. सो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा. चलिए गाँव के बारे में खास बात ये क्या है कि यहाँ पर एक नौ गज़ा कब्र है. बाबा नौ गज़ा जिन बाबा जी का नाम है उनके नाम से मशहूर है, मंसूब है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी कब्र है जैसा कि आपने देख लिया होगा. और अब हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी इसकी तफसील बताते हैं. जो ये दरबार है बहुत पुराना है, इस गांव के बसने से भी पहले यहाँ पर ये कब्र थी. और ये जो बाबा जी हैं, बाबा नौ गज़ा, इनके नौ भाई थे और नौ भाइयों की मुख्तलिफ कब्रें हैं जो कि मुख्तलिफ शहरों में. एक जो इनकी कब्र है भाई इस इलाके में है 419 CB, यानी जहाँ पे हम EB 419 CB जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, एक कब्र इनकी यहाँ पे है. और इनके जो बाकी नौ भाई हैं उनकी कब्रें नौ मुख्तलिफ जगहों पर हैं, जिसमें से एक कब्र पाकपतन शरीफ में है और दूसरी ये वाली है. इसके अलावा भी किसी के बारे में आपको पता है? जी दोनों को पता है बस. ठीक है, एक पाकपतन शरीफ में है इनके एक भाई की कब्र और एक कब्र यहाँ पे है. इसके अलावा इनके भी यानी नौ टोटल भाई थे, बाकी कब्रों के बारे में नहीं पता लेकिन वो भी मौजूद हैं. ये भाई थे, ये स्पेशल फैसलाबाद से यहाँ पर आए हैं सिर्फ इस दरबार को देखने के लिए. इसके अलावा हम पूरा दरबार विज़िट करेंगे. ये दरबार है, यहाँ पर हर साल मेला लगता है, हर साल उर्स लगता है, लोग चौक दर चौक यहाँ पर आते हैं और हर साल यानी उर्स लगता है इनका बाबा नौ गज़ा का 419 CB बुरेवाला में. बुरेवाला से बिल्कुल ये तकरीबन 5-10 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है. मुझे भी बड़े अरसे बाद इसके बारे में पता चला, हालांकि मैं जब से व्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ, शुरू की हुई है, उसके बाद बड़े दिनों बाद आज मुझे इस बारे में पता चला. मैं फ़ौरन यहाँ पर आ गया, मैंने कहा यहाँ की भी वीडियो बनी चाहिए, सो आपके साथ वीडियो शेयर की है. और इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा अलम लगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, एक
कुआं भी है और इसके अलावा दरख्त हैं और कब्र आपने देख ली है कि 9 गज़ बड़ी है और इसके अलावा यहाँ पर उनके मुरीदों की कब्रें हैं। सो पूरा दरबार आपके साथ शेयर करते हैं फिर दरबार की वीडियो। सो वीडियो के अंत तक देखिएगा, कोई भी सीन कोई भी शॉट मिस मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कि यहाँ पर एक कुआं भी है, जो कुआं है यहाँ पर बहुत तकरीबन 60 फुट गहरा है और बहुत डूंगा है, और जो ये कुआं है तकरीबन बहुत पुराना है, जबकि ये दरबार है कि ये दरबार भी बहुत पुराना है और उसके साथ साथ ये कुआं भी बहुत पुराना है। और इसके अलावा अगर आप इधर आ जाएं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नलका है, जो ये नलका है ये भी बहुत पुराना है, बहुत ही कदीमी है और देख सकते हैं ये आज भी इसी तरह चलता है और लोग यहाँ पे आके पानी भरते हैं। और इसके अलावा जो हमारे ऊपर दरख्त हैं, ये दरख्त भी बहुत पुराने हैं, बहुत कदीमी हैं। ये भाई आपको नलका चला के स्पेशल दिखा रहे हैं, शुक्रिया भाई। ये देखा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नलका बहुत पुराना है लेकिन अभी तक चल रहा है। इसके अलावा कुआं है वो इस दरबार से भी पहले का है। रात इस वक्त हम खड़े हुए हैं 9 गज़ा दरबार की जो बाहर वाली साइड है, आउटर साइड पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं। सो ये जो दरबार है ये इस गाँव के बसे से भी बहुत साल पहले का है, मतलब ये गाँव तो अभी बहुत बाद में आके बसा ही, तो ये दरबार है ये बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। सो इसके आउटलुक आप देख सकते हैं, ये बाद में बनाई गई है, मतलब बाद में ये सारा स्ट्रक्चर जो इसका है वो कम्प्लीट हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक दरख्त है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही पुराना दरख्त है। और इसके अलावा जैसे कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में ये देख सकते हैं, ये सब वो जो दूल्हे के हार होते हैं या कब्र के ऊपर आपने दूल्हे के कुल्ले वगैरह देखे होंगे, तो इसके पीछे क्या साइंस है। अभी अभी हमारे साथ एक भाई मौजूद थे, उन्होंने हमें थोड़ी सी हिस्ट्री इस दरबार के बारे में बताई थी। सो इतनी हिस्ट्री उससे भी नहीं पता थी, लेकिन फिर भी उसने उससे जिस हद तक मुमकिन हो सके उसने हमें बताई है जितनी उसके इलम में थी। जो ये है इनके बारे में उसने बताया कि जिस बंदे की इस गाँव में लेट्स सपोज की किसी की शादी है, अब लड़के की शादी हो जाती है, उसके बाद जो वो ये हार होते हैं या अपना कुल्ला होता है वो यहाँ पर ले आता है, हार यहाँ पर बांध दिए जाते हैं, कुल्ले कब्र के ऊपर रख दिए जाते हैं या ऐसे दरख्तों के ऊपर रख दिए जाते हैं। और इसके अलावा जिस बंदे की शादी नहीं हो रही होती है वो भी ये चीज़ें खरीद लेता है, हार और एक कुल्ला, वो भी यहाँ आके ले आता है, अपनी मन्नत मांगता है और उसकी शादी हो जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर बंदा जो भी मन्नत मांगता है उसकी वो मन्नत पूरी हो जाती है। सो इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं। और इसके अलावा अब यहाँ से हम चलेंगे उस शहर की जानिब जो घर को है। वैसे इस वक्त हम टीले के बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं, टीले के ऊपर से आप देख सकते हैं कि पूरा ये कैमरामैन को छोड़ के पूरा गांव नज़र आता है, पूरे खेत नज़र आते हैं। इस वक्त सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है, दिस सन इज़ एट द पीक ऑफ अस, बट हम फिर भी व्लॉगिंग कर रहे हैं। इस वक्त हम टीले के बिल्कुल ऊपर है, टीला जो है ये मिट्टी का टीला है, जैसे कि हम मेरे बैकग्राउंड में देखते जा रहे हैं। ये देखें ओ एक्चुअली जो जिस मिट्टी के ऊपर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जो मिट्टी है थोड़ी स्लीपी है, मतलब बैठी हुई है, मतलब मिट्टी के ऊपर अगर हम पाँव रखते हैं तो मिट्टी कोई 2 फुट नीचे चली जाती है, तो इसकी वजह से बड़ा मुश्किल होता है व्लॉगिंग करना मिट्टी के ऊपर। इस वक्त टीले के ऊपर है, ये देखें, और हमें एक कदम आगे बढ़ाता हूँ मिट्टी 2 कदम नीचे चली जाती है, मैं 2 कदम आगे जाता हूँ मिट्टी 3 कदम पीछे चली जाती है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है, बहुत ही प्यारा सीन है। आई होप कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। बुरे वाला मुझे ऐसी जगह होती है, आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं व्लॉगर्स दिखाते। सो खैर, हम छोटे मोटे जैसे भी टीनी व्लॉगर्स हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ हम इन जगहों को शेयर करते रहते हैं आपके साथ, लेकिन फिर भी हमारे चैनल को कहीं ग्रो अप ही नहीं करने देता होने देता। वीडियोस को तो कम से कम शेयर कर देना चाहिए आप सब लोगों को। सो वीडियो को काइंडली शेयर कर दिया करें, और इसके अलावा लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। और अगर इस तरह की कोई मजीद हिस्टोरिकल जगह आपको पता हो बुरे वाला के अराउंड अबाउट, तो मुझे या फिर मेरा जो ये कैमरा मैन है इसके साथ शेयर कर दिया करें। कैमरा मैन के बारे को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, सो मुझे तो जानते ही होंगे,
नाम तो सुना ही होगा, सीप खान बर्डी। सो आजकल अपना नाम तो गूगल पे भी चलने लगे, गूगल पर भी आने लग गया है। सो दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।